रामपुर में बने रेन बसेरे यानी शेल्टर हाउस का रियलिटी चेक किया, जिसमें देखा कि रामपुर के पूर्व कैबिनेट मंत्री व समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता मोहम्मद आजम खान ने करोड़ों रुपए की लागत से 3 मंजिला शेल्टर हाउस यानी रेन बसेरा बनाया है, जिसमें 100 बेड्स पड़े हुए हैं। यही नहीं, कीमती गब्बे कीमती गंबल और अलमारी जैसी सुविधाएं व बाथरूम टॉयलेट की भी सुविधाएं हैं। इस रेन बसेरे को पूरी तरीके से हर सुविधा से लैस किया गया है। यही नहीं, इस रेन बसेरे में देखरेख के लिए केयरटेकर भी मौजूद है। वहीं सुरक्षा की बात करें तो इस रेन बसेरे में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। वहीं हमने अपनी पड़ताल में देखा कि रामपुर जिले का रेन बसेरा शेल्टर हाउस के नाम से बना है। यहां रेन बसेरा रामपुर में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत के शहरी बेघरों के लिए आश्रय योजना के तहत 20 दिसंबर 2016 को बनाया गया है, जिसका निर्माण आजम खान ने करोड़ों रुपयों की लागत से अपने ही मकान से 500 मीटर की दूरी पर बनवाया है। पूरे उत्तर प्रदेश में इस जैसा शेल्टर हाउस कहीं नहीं बना है। मुसाफिर यहां आकर ठहरते हैं, अपने आजम खान साहब की तारीफ करते हैं, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में इस जैसे रेन बसेरे कहीं नहीं बना। पूरे जो मुसाफिर लोग आते हैं उनको बहुत अच्छे से सुविधा मिल रही है। लोग बड़े परेशान थे, सारी परेशानी होती है, और आराम से स्टे करते हैं और यहाँ आने के बाद में अपना आराम करके और अपने चले जाते हैं। टहलने के लिए मुमताज पार्क बराबर में बनी हुई है। यही नहीं, आने जाने वाले मुसाफिरों का पूरी तरह से ध्यान रखा जाता है। ये रेन बसेरा समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता मोहम्मद आजम खान ने अपनी सरकार के करोड़ों रुपयों की लागत से डोडा के तहत बनवाया था, जिसमें सभी मुसाफिर आकर ठहरते हैं, आजम खान की तारीफ करते हैं। आजम खान पहले से ही तारीफ के काबिल है, इसलिए हमारे रियलिटी चेक में रामपुर का रेन बसेरा नंबर 1 पर आया है।